अच्छा आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो लगातार इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। अब इतना कहते ही आप लोग तो समझ गए होंगे कि बात हम किसी और की नहीं, यहाँ पर अखिलेश के चाचा शिवपाल की कर रहे हैं। लेकिन अब कौन सी बात आ गई है उनको लेकर, तो बता देते हैं कि शिवपाल यादव ही नहीं, उनके परिवार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग चीजों में बहुत ही मशहूर है। यहाँ पर शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनके बेटे आदित्य भी सियासत को ज्वाइन करते हुए दिखाई दे, इसलिए वो अपने लिए तो चिंतित है ही, लेकिन अपने बेटे आदित्य के लिए भी काफी ज्यादा चिंतित है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेते हैं उनके बाकी सदस्यों के बारे में। शिवपाल यादव अपनी पार्टी प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो उनकी खुद की पार्टी है और वो उसके मुखिया भी है। शिवपाल यादव की पत्नी का नाम सरला यादव है। सरला परिवार की जिम्मेदारी संभालने के साथ साथ पेट्रोल पंप और राइस मिल भी चलाती है। शिवपाल यादव का एक बेटा और एक बेटी है, आदित्य और अंकुर यादव के नाम से भी जाना जाता है। आदित्य यादव बीटेक करने के बाद से अपने पिता के साथ रणनीति यानी कि राजनीति से जुड़ गए थे और उनकी बेटी भी थोड़ा बहुत काम कर ही लेती है। लेकिन यहाँ पर बता दें कि उनकी बेटी एक डॉक्टर है और उसके साथ साथ वो अस्पताल भी चलाती है। लेकिन जो उनके हस्बैंड है यानी कि शिवपाल के दामाद, वो तमिलनाडु कैडर के AIS अफसर है। तो इससे तो यही मालूम चलता है कि परिवार काफी ज्यादा सभ्य और सौम्य है। परिवार में हर कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर परेशान है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश और शिवपाल और साथ ही साथ अब उनके बेटे आदित्य भी। लेकिन आपको ये खबर सुन के कैसा लगा है कि शिवपाल के घर में एक ऐसा इंसान नहीं है जो किसी भी काम में कमी रखता हो? तो मुलायम सिंह यादव का ये पूरा परिवार सभ्य है या नहीं, ये क्या लगता है? और अगर सभ्य है तो परिवारवाद की बात कहाँ से आ जाती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन।